गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टूडेज टॉपिक इज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। इफ़ वी एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड, होल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड फिक्स ए नेल ऑन द वॉल, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। कि अगर हम किसी भी मतलब ग्राउंड पे वॉक कर रहे हैं, आजकल होल्ड ऑब्जेक्ट्स को हम पकड़ के रख सकते हैं या फिर किसी भी दीवार के अंदर नेल को फिक्स कर सकते हैं। दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, नो वुड वी वुड स्लिप ऑन द फ्लोर वाइल वॉकिंग। जब हम चल रहे होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लोर पे स्लिप हो सकते हैं अगर वहाँ पे फ्रिक्शन ना हो। वुड नॉट बी एबल टू होल्ड अ पेंसिल और फिक्स अ नेल ऑन द वॉल। और हम किसी भी पेंसिल को होल्ड करके नहीं रख सकते या फिर हम जैसे कोई भी नेल को फिक्स नहीं कर सकते वॉल के अंदर। सो फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। All machines having gears, pulleys and rollers require friction to work. कि सभी जो फ्रिक्शन है वो मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मशीन्स होती हैं वो उसके गियर हैं या फिर पुलीज हैं या फिर जो रोलर्स होते हैं, हमारे पुली क्या होती है जो उसमें होती है ना, वेल के अंदर होती है, जो क्या करती है उसके ऊपर से जो रोप होती है वो पास होती रहती है, तो वो सब बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन के कारण ही वर्क करते हैं। विदाउट फ्रिक्शन वन पार्ट ऑफ द मशीन विल नॉट बी एबल टू मूव। कि फ्रिक्शन के बिना एक भी पार्ट है जो मशीन का वो मूव नहीं कर पाएगा ओवर अनदर पार्ट ऑफ द मशीन। कि एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट वर्क नहीं कर पाएगा। जैसे साइकिल है, साइकिल के नीचे रबर के नीचे फिर कुछ अलग मेटल है, ठीक है, कुछ अदर पार्ट है, तो इसके लिए दूसरा जो एक अगर एक पार्ट फंक्शन कर रहा है तो दूसरा पार्ट उसके बिना फंक्शन नहीं कर पाएगा। ब्रेक्स इन ऑल व्हीकल्स वर्क ऑन फ्रिक्शन। कि जो ब्रेक्स होते हैं साइकिल के अंदर वो भी किसके बिहाफ पे फंक्शन करते हैं, फ्रिक्शन के बिहाफ पे ही फंक्शन करते हैं। ये तो थी हमारे फंक्शन की, हमारे फ्रिक्शन की सारी क्या एडवांटेजेस। नाउ दिस इज द देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ऑल मशीन्स हैव फ्रिक्शन। कि हर एक मशीन्स के अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन। ड्यू टू दिस फ्रिक्शन द मशीन्स पार्ट्स हीट अप एंड लूज एनर्जी। और इसी फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाते हैं, जो मशीन्स के पार्ट हो जाते हैं, पार्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं और एनर्जी को क्या करते हैं, लूज। दिस ब्रिंग्स डाउन द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन्स। एफिशिएंसी मतलब जितना वो वर्क कर पा रही थी उस वर्क को करने में वो क्या हो जाती हैं, फेल, ठीक है। जितना वर्क वो पहले कर देती थी अब उतना वर्क उससे नहीं होगा, बिकॉज जल्दी हीटअप हो जाएगी, तो हीटअप से क्या हो सकता है, हमारी मशीन बर्न भी हो सकती है। फ्रिक्शन आल्सो भी ये क्या होगी, तो इसके एक डिसएडवांटेजेस। फ्रिक्शन आल्सो ब्रिंग्स अबाउट वेयर एंड टेयर इन मशीन्स पार्ट्स। कि फ्रिक्शंस के कारण ही जो हमारे जो मशीन के पार्ट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, वेयर एंड टेयर, कि टूट फूट सकते हैं वो। दे हैव टू कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड मेक दैम रन स्मूथली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको उसी के उसी टाइम क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, कि हम क्या कर सकें उनको रन स्मूथली। टायर्स ऑफ व्हीकल्स हैव ग्रूव्स टू प्रोवाइड बेटर ग्रिप ऑन द रोड। कि टायर्स के अंदर क्या होती है, ग्रूव्स, देखो ग्रूव्स ये होते हैं, कि टायर्स के अंदर क्या होती है, लाइनिंग, लाइनिंग नज़र आ रही है ना आपको, तो ये क्या होती हैं, ग्रूव्स, कि जिसकी वजह से क्या उसके कि ग्रिप बन सके उनकी रोड पे, वो हमारे क्या ना हो, क्या ना उनके अंदर कि जो हमारे जो वो क्या ना कर सके, स्लिप ना कर सके रोड पे, बेटर ग्रिप बनी रहे उनकी। हाउएवर दे गेट वर्न आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। और लेकिन फ्रिक्शन के कारण ही क्या हो जाते हैं, वो वर्न आउट हो जाते हैं। दे हैव टू बी रिप्लेस्ड इफ दे गेट वर्न आउट। अगर वो वर्न आउट हो जाते हैं तो हमें उनको रिप्लेस करना पड़ता है। फ्रिक्शन हैज बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दैट वाई फ्रिक्शन इज कॉल्ड अ नेसेसरी एविल। कि फ्रिक्शन के क्या हैं, दोनों एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेसेसरी एविल। अब देखो ये हमारा फ्रेश टायर है, ठीक है, ब्रांड न्यू टायर है, लेकिन अगर ये रोड पे चलता रहे, रेगुलरली रोड पे ये वर्क कर रहे हैं, तो उसके बाद ये क्या हो जाता है, वर्न आउट, जिसको हमें क्या करना पड़ता है। देखो इसमें यहाँ पे स्पेस कैसा है, बिल्कुल कम है, यहाँ पे स्पेस भी ज़्यादा हो जाता है और इसमें से जो हमारे कुछ मटेरियल है वो वर्न आउट हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें टायर को क्या करना पड़ता है, चेंज। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेथड्स टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। कि हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को मिनिमाइज यानी कम कर सकते हैं, जहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा तो उसको कम करके हम उसकी एडवांटेजेस ले सकते हैं, जिससे हम उसके डिसएडवांटेजेस को कम कर सकते हैं। तो देखो फ्रिक्शन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। कि फ्रिक्शन को एलिमिनेट ही नहीं कर सकते, प्रॉपरली उसको बाहर नहीं कर सकते हम,
अपने डेली लाइफ से। हाउएवर इट कैन बी मिनिमाइज्ड, बस उसको बस हम क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो उसके लिए मेथड्स देखो, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग ल्यूब्रिकेंट्स, कि हम मशीन्स के अंदर क्या कर सकते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स। ल्यूब्रिकेंट्स क्या होते हैं कि जो भी हमारे जैसे ऑयल है, ग्रीस है, जो क्या कर सके, जो मूविंग पार्ट्स हैं मशीन के उनके बीच में अगर हम डाल दें, क्या डाल दें, ऑयल या फिर ग्रीस, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जनरेट होना कम हो जाएगा, और उससे जो मशीन्स के पार्ट है वो हीट अप कम होंगे। ठीक है, फ्रिक्शंस कैन बी और एक दूसरे जो वर्न आउट हो रहे हैं, जो डैमेज हो रहा है, वियर एंड टीयर हो रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, लेस। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय स्मूथनिंग द टू सर्फेसिज इन कॉन्टैक्ट, कि जो दो सर्फेस है कॉन्टैक्ट में उनको हम क्या कर दें, स्मूथ कर दें, तो उससे भी क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन रिड्यूस, बिकॉज रफ सर्फेसिज में ज़्यादा क्या होता है, फ्रिक्शन, और जो हमारे नॉन रफ सर्फेसिज हैं यानी स्मूथ सर्फेसिज हैं वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है, कम। तो स्मूथनिंग रिड्यूज द रफनेस एंड रिड्यूज द इंटरलॉकिंग बिटवीन द इरेगुलरिटीज ऑफ टू सर्फेसिज इन कॉन्टैक्ट, देयर बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। इसी वजह से क्या हो जाता है, फ्रिक्शन रिड्यूज हो जाता है, बिकॉज उनके बीच में जो इंटरलॉकिंग है वो क्या हो जाती है, लेस। इफ देयर आर रोटेटिंग पार्ट्स इन द मशीन, दे कैन बी कनेक्टेड यूजिंग बॉल बियरिंग्स, कि अगर क्या है, हमारे रोटेटिंग पार्ट्स हैं जो मशीन के, वो क्या है, कनेक्टेड हैं, किसको यूज़ करके, बाल बियरिंग्स को यूज़ करके। देखा ना ये बाल बियरिंग्स, इनको जब यूज़ करके जब दो पार्ट्स कनेक्ट किए जाते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, कौन सा मेथड है, बाल बियरिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शंस एज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसिस स्लाइडिंग ओवर ईच अदर इज़ कन्वर्टेड टू रोलिंग मोशन। ये देखो पहले क्या था, यहाँ पे स्लाइडिंग मोशन था, अगर ये बाल बियरिंग वहाँ पे नहीं होता तो कौन सा फ्रिक्शन होता है वहाँ पे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बट इस स्लाइडिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, रोलिंग फ्रिक्शन में, किसकी हेल्प से, बाल बियरिंग की हेल्प से। तो इससे क्या होगा, दिस रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, तो उससे जो फ्रिक्शन है टू सरफेसेस के बीच में क्या हो जाएगा, कम, बिकॉज वी नो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कि रोलिंग फ्रिक्शन हमारा लेस होता है, बिकॉज जो सरफेस है कॉन्टैक्ट का वो क्या होता है, लेस। ठीक है, नेक्स्ट है अनदर मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन टू टू एयर रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव एन इन एन लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमारे एरोप्लेन्स वगैरह हैं जो हमारे एयर में मूव कर रहे हैं, ठीक है, एरोप्लेन्स है, हेलीकॉप्टर है, तो उसके साथ क्या होता है कि जो जैसे जैसे वो मूव कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से क्या आती है, एयर, एयर क्या लगाती है, कुछ ना कुछ फोर्स लगाती है। ठीक है, जैसे शेप है तो इसके अंदर क्या कर रही है, एयर क्या कर रही है, जैसे शिप बोट की शेप नज़र आ रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एयर है, एयर क्या करती है, जो यहाँ से जो इसका पाथ है ये क्या करती है, इसको मतलब फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से इसके जो स्पीड है, जो इसकी मोशन है वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। तो इसकी वजह से जो ऐसे ही जो हमारे फ्लूड है यानी लिक्विड है, जो वाटर के अंदर भी, वाटर के अंदर भी ऐसे ही फोर्स लगते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि मोशन के अगेंस्ट कुछ हमारा फोर्स लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स, क्या बोलते हैं उसको, ड्रैग फोर्स। और वो फोर्स क्या करता है, उसको फ्रिक्शन फोर्स की तरह एक्ट करता है और उसको मूव नहीं करने देता, तो उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अब स्ट्रीमलाइनिंग क्या होता है, इज टू शेप द और द ऑब्जेक्ट इन सच ए वे दैट इट प्रेजेंट्स वेरी लिटल रेजिस्टेंस, कि स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब क्या होता है, हम क्या करें, ऐसी शेप दें अपने ऑब्जेक्ट्स को, जैसे एरोप्लेन्स हैं या फिर बोट वगैरह, उसको हम ऐसी शेप दें कि वो क्या कर सके, कम से कम फ्रिक्शन को फेस कर सके। जैसे यहाँ पे देखो सारा का सारा कांच लगा है ऑब्जेक्ट्स के टच में नहीं आया, यहाँ पे थोड़ा सा भी रेजिस्टेंट जो हमारा एयर रेजिस्टिव फोर्स है वो क्या हो गया, सारा ही कहाँ से, ऑब्जेक्ट्स के पास से चला गया, बट उसके अंदर उस वो क्या नहीं हुआ, उसको इफेक्ट नहीं किया उसने ऑब्जेक्ट को। तो इसी वजह से क्या हो सकता है, जो हमारे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या कर सकती है, एयर रेजिस्टेंस जो उसकी अपोज कर रहा है उसकी मोशन को, उससे क्या कर सकती है, वो प्रिवेंट कर सकते हैं हम उसको। ठीक है, और उससे क्या हो सकता है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो सकती है वाइल मूविंग। तो फर्स्ट देखो एयरोफॉइल द शेप ऑफ एन एयरक्राफ्ट विंग मिनिमाइजेज ड्रैग, ये क्या होती है, एयरक्राफ्ट की शेप कैसी होती है, विंग जैसी शेप दे देते हैं हम उसको, तो विंग जैसी शेप देने से जो ड्रैग होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है, ड्रैग फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, मिनिमाइज। नेक्स्ट हम एक स्फीयर शेप दे सकते हैं, तो स्फीयर शेप से देखो राउंड ऑब्जेक्ट सच एज
baseballs एक्सपीरियंस अ मीडियम अमाउंट ऑफ ड्रैग, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट्स को जैसे बेस बॉल्स वगैरह उसको राउंड बना दें तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट्स है उसके अंदर जो ड्रैग फोर्स की अमाउंट है वो क्या लगेगी, बिल्कुल लेस, अपोजिंग जो उसका अपोजिंग फोर्स है वो क्या हो जाएगा, लेस। नेक्स्ट है स्क्वेयर, स्क्वेयर की शेप बना सकते हैं हम, जैसे फ्लैट एज इज ऑब्जेक्ट जिसकी एज क्या होती है, फ्लैट, जैसे एज है तो क्या है, बिल्कुल फ्लैट। सच एज बॉक्सिस एक्सपीरियंसेस ए हाई अमाउंट ऑफ ड्रैग, ये क्या करते हैं, हाई अमाउंट ऑफ ड्रैग क्या करते हैं, फेस करते हैं। देखो सारा का सारा इसके अंदर से ही जा रहा है, बाहर से ये रेजिस्टिव फोर्स नहीं जा रहा, तो इसलिए हमें इसको कौन सी शेप देनी चाहिए, हमेशा स्ट्रीमलाइन शेप। जो हमने स्टडी की वो कौन से थे, मेथड्स टू डिक्रीज फ्रिक्शन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन, कि कई जगह पे हमारा जो फ्रिक्शन होता है वो इंक्रीज़ करना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो फर्स्ट क्या कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सर्फेसिज इन कॉन्टैक्ट, कि हम क्या कर सके जो सरफेस है कॉन्टैक्ट में उसका क्या कर सके, उसकी रफनेस को क्या कर सके, हम इंक्रीज़ कर सकें। एज द सरफेस बिकम्स रफर द इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सर्फेसिज इन कॉन्टैक्ट इंक्रीजेज देयर बाय इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन। ये हमने पहले ही बोला है कि रफनेस में जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, लेस, ठीक है, सॉरी रफ सरफेसेस में क्या होता है, मोर, ठीक है। तो अगर सरफेस हमारा रफर बन चुका है तो उसके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स, अगर मतलब रफ नहीं है हमारा सरफेस तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें रफ बनाना पड़ेगा पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे हमने क्या करना है, इंक्रीज करना फ्रिक्शन, ठीक है। तो जितना हम क्या करेंगे, रफ सरफेस बनाएंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो सरफेसेस के कॉन्टैक्ट में क्या होंगी, इंक्रीज़ होंगे, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। नेक्स्ट है इंक्रीजेज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का वेट इंक्रीज़ करने से भी क्या होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज़। एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट फर्दर प्रेस डाउन इन ऑन टू द सरफेस, कि जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगी, सरफेस पे प्रेस की जाएगी, उतनी ज़्यादा वो सरफेस के ज़्यादा टच में आएगी। देयरफॉर द इरेगुलरिटीज गेट इंटरलॉक्ड, और जो इरेगुलरिटीज़ हमारी वो क्या हो जाएंगी, इंटरलॉक्ड हो जाएंगी, तो इंटरलॉक्ड होने की वजह से जो फ्रिक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। ये जो इंटरलॉक्ड वाली प्रोसेस है पहले मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए सारी, तो पहले उसको देखना अगर इंटरलॉक नहीं समझ आ रहा, ठीक है। तो फ्रिक्शन को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं, हम इंक्रीज़ कर सकते हैं हम उसको, कि उसकी रफनेस को इंक्रीज़ करके, और जो वेट है ऑब्जेक्ट का उसको इंक्रीज़ करके, और रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ल्यूब्रिकेशंस का यूज़ करके, जैसे ऑयल्स, ग्रीस, बाल बियरिंग्स का यूज़ करके, और स्ट्रीम लाइनिंग का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं उसको, रिड्यूस्ड। ओके,